हेलो एवरीवन, ये वैकेंसी आई है अलग अलग यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे यहाँ पर वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। सैलरी की बात करें तो 57,700 लेवल 10 आपको ऑफर किया जा रहा है, प्लस जो अन्य जो अलाउंसेस है, भत्ते हैं, वो भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंडेटरी अनिवार्य नहीं है। अगर मास्टर डिग्री के साथ आपका नेट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है आवेदन करने के। डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, जिन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो मैं पे स्केल है वो मैं दिखा देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अकेडमिक लेवल 10, यानी कि जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 57,700 रहने वाली है। अब इसके साथ आपको महंगाई भत्ता प्लस आपको जो एचआरए हैं और जो अन्य भत्ते हैं वो भी यहाँ पर दे होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर को बेसिक सैलरी स्टार्टिंग की 1,31,400 एंड प्रोफेसर को 1,44,200 यहाँ पर ऑफर की जा रही है। एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर, आईसीएआर और सिमिलर जो टेस्ट हैं लाइक स्लैट या सेट जो है आपका होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। सो सब्जेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ से ये वैकेंसी है। ये बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बंदा उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी एंड साथ ही साथ प्रोफेसर के लिए फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट फॉरेस्ट्री बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, वाइल्ड लाइफ साइंस, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन। तो ये सारे जो है वैकेंसी यहाँ पर जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी जो है आप ये देख सकते हैं। राइट नाउ मैं यहाँ पे बता दूँ, जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पे एज पर यहाँ पे जो 55% मैंने बोला था, 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगजन को मिलती है या जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुके हैं, यानी कि 1991 से पहले। राइट सो ये जो है उनको 5% की छूट मास्टर डिग्री में यहाँ पर मिलने वाली है। अब जो सिलेक्शन है आपका वो यहाँ पे आपका पहले शॉर्ट लिस्ट होंगे आप इंटरव्यू के लिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड उसके बाद इस प्रकार से जो है सिलेक्शन आपका होगा। एप्लीकेशन फी 1,500 रुपये है, बैंक ड्राफ्ट एंड 750 रुपये है आपका जो एससी एसटी कैटेगरी है, दिव्यांगजन है, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। देख लेते हैं कैसे आपको जो है यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट एंड अदर जो है यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट ड्यूली फिल्ड फ्रेश एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी विद बैंक ड्राफ्ट एंड अदर एसेंशियल एंड सपोर्टेड आइदर पर्सनली और एंड वर्किंग थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। तो हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पर भेजनी है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू यानी कि शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पे जो है 4 मई, लास्ट डेट रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन जो है 4 मई 2023 है, तो इससे पहले आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी है आपकी रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे फैकल्टी के लिए जो है रिक्रूटमेंट है और ये जो वैकेंसी है प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये सारी जो है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 24 मई 2023 तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। राइट एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ना। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एप्लीकेशन फी 1,000 रुपये है एंड 500 रुपये एससी एसटी जो दिव्यांगजन है उनके लिए एप्लीकेशन फी यहाँ पर है। राइट सो ये है आपकी रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी। इनविटेशन सेंड टू द कैंडिडेट फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सेमिनार इंटरव्यू मेल इंडिकेट द सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट एंड कन्वेज। तो ये जो है यहाँ पे आपको अधिक जानकारी के लिए इन दोनों वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि वैकेंसी कम है तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं आवेदन करने का। तो चलिए मेरा ये है कि मैं आपको अपडेट देता हूँ, तो डेफिनेटली जो है मेरा हक बनता है कि आपको अपडेट देना। तो चलिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।